सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मनाविका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में पार्टी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटने का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को यानी कि आज पार्टी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। राजद ने शिरहाती से मंजू अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं दिनारा से विजय मंडल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गया सीट से विजय यादव को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि कटोरिया से स्वीटी सीमा हेब्रम को सिंबल मिला है। तो इस तरीके से ये जो दौर है सिंबल बांटने का प्रत्याशियों को, वो लगातार जारी है आरजेडी में। भभुआ सीट की बात करें तो यहाँ से भरत बिंद और मोहनिया सीट से संगीता कुमारी को राजद का टिकट मिला है। राजद ने पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश को भी जमुई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उनकी भतीजी और पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को भी जमुई जिले के ही एक सीट से पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के आरजेडी ने फर्स्ट फेज के लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर दिए हैं, और बिहार में पहले चरण के चुनाव में 71 यानी कि 71 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। तो जिस तरीके से बात चल रही थी कि प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, उस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है, तो अब जो है आरजेडी में सब कुछ फाइनल दिख रहा है और नाम भी सामने आ रहे हैं, सिंबल भी बांटे जा रहे हैं, और ये दौर जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिकों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।